<laughs> Happy birthday to you. Happy birthday. <laughs> वालेकुम जी वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आपको पता है कि मैं आ, शादी पे आ, गई हुई थी सयालकोट तो शादी ख़त्म हो चुकी थी और हम लोग अब वापस जा रहे थे आ, पिंडी इस्लामाबाद की तरफ तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये यादें भी शेयर की जाएँ तो इसलिए मैं जो है आपके साथ अपनी ये खूबसूरत यादें शेयर कर रही हूँ बहुत अच्छा सफ़र गुज़र रहा था और बहुत मज़ा भी आ रहा था बहुत हमने इन्जॉय भी किया शादी पे भी हमने खूब मज़े किए और सब फैमिली मेंबर्स के साथ मेरी मुलाकात भी हो गई और बहुत अरसे के बाद सबको मिल बहुत ही अच्छा लगा और बहुत सुकून आया इतने अरसे के बाद जब आप अपनों को मिलते हैं अपनों को देखते हैं तो एक अलग से ही खुशी मिलती है तो हम लोग वापस जा रहे हैं तो जी रास्ते में आ गया जी मियाँ जी का होटल और मियाँ जी का होटल आए और आपको साग और दाल की याद ना सताए ये कैसे हो सकता है तो आफ्टर सो मैनी लॉन्ग लॉन्ग टाइम के बाद मैं जो है यहाँ पे रुकी और किस लिए रुकी सिर्फ़ इनका साग और इनकी दाल खाने के लिए रुकी तो भूख भी हमें बहुत ज़्यादा लग गई थी आ, शाम का टाइम था चार पाँच बजे का तो रास्ते में ये लाला मूसा खाना से पहले ही मियाँ जी का होटल हमें नज़र आया तो हमने यहाँ पे कुछ देर के लिए स्टे किया और सिर्फ़ और सिर्फ स्टे किया साग और दाल के लिए तो अब हम अंदर एंटर हो चुके थे और ढूंढ रहे थे कि अच्छी सी जगह हमें मिले हम बैठें और फिर हम ऑर्डर करें और खाना खाएं तो यहाँ पे जी आ चुका था मेन्यू आ, मेन्यू तो हम डिसाइड करके ही आए थे पीछे से ही कि हमने क्या खाना है हमें चाहिए थी दाल और साग इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं खाना था मेन्यू खोल के सारा पढ़ लिया सारा जायज़ा ले लिया और एंड पे जो ऑर्डर करना था वही हमने ऑर्डर किया इनके मेन्यू में माशाल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें थीं और काफ़ी सारे खाने थे जिनमें चाइनीज़ फ़िश स्नैक्स और सैलड्स और तंदूर की चीज़ें और पता नहीं क्या 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 था और डिफरेंट किस्म के डेज़र्ट्स भी थे मशरूबा भी थे आइसक्रीम्स भी थी सब कुछ था पर हमने ऑर्डर किया साग और दाल तो जी हमारा इंतज़ार ख़त्म हो चुका था यहाँ पे आई दाल और गर्मा गर्म रोटियाँ और गर्मा गर्म साग और इनको देख के हमने आओ देखा ना ताओ देखा और हम लोग बिल्कुल टूट पड़े जस्ट ये दो तीन मिनट के क्लिप के लिए जो हमें इंतज़ार करना पड़ा बस कुछ ना पूछें मैंने इन सब को स्टॉप किया कि एक मिनट एक मिनट मुझे छोटी सी वीडियो बना लेने दे मेरी यादें जो हो जाएंगी एक कैप्चर तो खाना खा चुके थे यहाँ आ गया बिल बिल हमने अदा किया और उसके बाद बाहर से हमने कुछ थोड़ी सी चीज़ें ली रास्ते में बच्चों के खाने के लिए और फिर हम चल निकले वापसी की तरह और रास्ते में बड़ा शाम का मंज़र था और बड़ा ही ख़ूबसूरत एक व्यू था तो बड़ा अच्छा लग रहा था ये देख के और रात हो रही थी शाम हो रही थी तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं पिंडी और शाम गुज़र चुकी और इस वक्त तकरीबन सात साढ़े सात का टाइम था और हम लोग अब घर की तरफ़ जा रहे थे और ओवरऑल हमें बहुत ही मज़ा आया हमने बहुत ही इंजॉय किया सफ़र को तो घर जाते ही हम लोगों ने जी की पार्टी क्योंकि मेरी भाभी की बर्थडे थी तो हम लोगों ने केक मंगवाया और पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और यहाँ पे हमने बर्थडे सेलिब्रेट की और हमने केक और पिज़्ज़ा बड़ा मज़े ले ले के खाया और बड़ा ही मज़ा आया तो यहाँ मैं आपको ये भी बताती चलूँगी कि मैंने पिछले जो अपने दो व्लॉग्स अपलोड किए हैं गांव का एक व्लॉग और एक शादी का तो आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया बहुत ज़्यादा सराहा और मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे से कॉमेंट्स आए और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे इतना पसंद किया आ, मेरे व्लॉग्स देख के थैंक यू सो मच आपके प्यार का और आप लोगों की सपोर्ट का और हमेशा आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की जर, मुझे ज़रूरत रही है और इसी तरह सपोर्ट करते रहें प्यार करते रहें बहुत बहुत शुक्रिया तो ये क्लिप है जी नेक्स्ट डे का यहाँ पे मेरी प्यारी सी कज़न मेरे लिए नाश्ता बना रही थी और इन्होंने मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का पराठा बनाया और ये वैसे काम कम ही करती हैं किचन में लेकिन मेरे आने की खुशी में स्पेशल मुझे इन्होंने बड़ा मज़े का क्रिस्पी सा पराठा बना के खिलाया और आप यकीन जाने मुझे बहुत ही मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा हम लोगों ने गपशप भी की और नाश्ता भी किया बड़े मज़े से और बहुत अच्छा जो है वो हमारा ये टाइम गुजरा तो नाश्ते के बाद मेरा प्लान था कि मुझे कुछ थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए मार्केट जाना था तो बस यहाँ पे हम लोगों ने जल्दी जल्दी से नाश्ता फिनिश किया और उसके बाद फिर हम लोग तैयार हुए जल्दी जल्दी से और हम लोग बाज़ार के लिए निकल गए तो ये आप देख सकते हैं कितना मज़े का क्रिस्पी सा पराठा बना है और थैंक यू सो मच मेरी प्यारी सी कज़न को जी तो लगते तो रिक्शे की सैर भी हो गई पाकिस्तान आए हों और आप रिक्शे की सैर ना करें ऐसा तो मुमकिन नहीं है तो हम लोग जा रहे थे मार्केट और कुछ शॉपिंग के लिए मार्केट जाके मुझे टाइम नहीं मिला था आ, वीडियोस बनाने का क्योंकि मेरे पास यही दो तीन घंटे थे और उसमें मैंने बस जल्दी जल्दी शॉपिंग की और बस वापस घर जाने की की तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो भी अच्छी लगेगी आ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़